बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेमेडीज़ डायरी। आज मैं आपसे सेफ्रॉन, जिसे कि ज़ाफ़रान और केसर भी कहा जाता है, इसका एक ज़बरदस्त सा फेस पैक शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यह आपकी स्किन को ब्राइट करेगा और इससे आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो आएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस फेस पैक को बनाने के लिए मैं बहुत ही सिंपल बट इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ड्राई मिल्क पाउडर, आप किसी भी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। सेकंड इंग्रेडिएंट है राइस फ्लोर, स्किन वाइटनिंग के लिए राइस फ्लोर सबसे इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट है। और इसके बाद मैंने एलोवेरा जेल यूज़ की है, एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। फिर मैंने इसमें रोज़ वाटर यूज़ किया है, रोज़ वाटर आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करेगा और स्किन को हाइड्रेट करता है। और मैं इसमें हनी यूज़ कर रही हूँ, हनी स्किन वाइटनिंग के लिए भी बेस्ट है और इसके अलावा ये ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और इस फेस पैक में जो मेन इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं वो है सेफ्रॉन, और ये तो पूरी दुनिया में स्किन वाइटनिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। और इसमें मैं स्वीट आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये स्किन की इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करेगा और स्किन वाइटनिंग के लिए भी बेस्ट है। इस फेस पैक में सब इंग्रेडिएंट जो मैंने यूज़ किए हैं वो बिल्कुल सिंपल और नेचुरल हैं, इसलिए इसे किसी भी एज ग्रुप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट पोल्यूशन और तरह तरह की केमिकल क्रीम को इस्तेमाल करने की वजह से स्किन बिल्कुल बेरोनक हो जाती है, स्किन का ग्लो ख़त्म हो जाता है, इनफैक्ट स्किन बिल्कुल डैमेज और डल हो जाती है। ये फेस पैक आपकी स्किन को फेयर करने के साथ साथ आपकी स्किन को रिपेयर करेगा और डल स्किन को यूथफुल बनाएगा। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि मैंने 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर लिया है और इसमें मैं सेफ्रॉन के कुछ स्ट्रैंड्स ऐड करके इसको छोड़ दूँगी। रियल सेफ्रॉन की पहचान उसके कलर, एरोमा और टेस्ट से की जा सकती है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब भी आप इसे पानी में, दूध में, रोज़ वाटर में, किसी भी लिक्विड में जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये क्विकली डिसॉल्व नहीं होता, मीन्स कि इसका फ़ौरन कलर नहीं आता। ज़ैफ़रान स्किन वाइटनिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये स्किन को फेयर करने के साथ साथ आपकी डार्क पैची स्किन को भी ख़त्म करेगा, और क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल भी है इसलिए ये स्किन से एक्नी और पिम्पल्स को भी रिमूव करेगा। ये देखें, इसका खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब आपने एक बाउल में 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करना है और फिर इसमें 1 टेबलस्पून ही राइस फ्लोर ऐड करना है। मैं इसमें 1 टेबलस्पून ही एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून ही आलमंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। और अब आपने इसमें 1 टेबलस्पून ही हनी ऐड करना है। इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर लें, कुछ इस तरह से मिक्स करने के बाद सेफ्रॉन जो रोज़ वाटर में डिप करके रखा हुआ था अब आपने वो इसमें ऐड कर देना है और इसको ऐड करने के बाद अब आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यह हमारा स्किन वाइटनिंग फेस पैक रेडी हो चुका है। अब आपने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस फेस पैक को अपने फुल फेस और नेक एरिया पर अप्लाई करना है। इसे आप अपने हैंड्स पर और फुल बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। इसको अप्लाई करने के बाद अब आप इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। इस फेस पैक में मौजूद तमाम इन्ग्रीडियंट्स ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। एलोवेरा जेल में मौजूद मैलिक एसिड आपकी स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा और अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइन्स हैं तो वो भी ख़त्म होंगी। और सेफ्रॉन आपकी स्किन को फ्लॉलेस बना देगा, इससे आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो आएगा। वो लड़कियां जिनकी कुछ टाइम के बाद शादी होने वाली है उन्हें तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो इस फेस पैक को ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इस फेस पैक को यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी, आपकी स्किन फेयर होगी, इसके अलावा आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। इस फेस पैक को आप एज एन एक्सफोलिएटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये ड्राई हुआ है इस पर आप
रोज़ वाटर का स्प्रे करें और इसका हल्का सा मसाज करें, यह आपकी डेड स्किन को ख़त्म करेगा और इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, और अगर आपकी स्किन पर एक्नीज, पिंपल्स, इस तरह के प्रॉब्लम हैं तो वो भी ख़त्म होंगे। और इस फेस पैक की कमाल बात ये भी है कि आप इसे एज अ क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप अपने अगर फेस पर अप्लाई करते हैं तो ये इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद आप इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए, मैं अपना हैंड वॉश कर चुकी हूँ, इससे आपको फर्स्ट टाइम में ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसे किसी भी एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं और इसे आप अपनी स्किन की किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। आप इस फेस पैक को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के 7 डेज़ तक के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप इस तरह से 7 डेज़ के लिए इसका बैच बनाते जाएं और इसको इस्तेमाल करते जाएं और इसका कमाल देखते जाएं। उम्मीद है कि मेरी आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।